Just wanted to start the mood in the right way, and thank you, Rinku, for bringing that in. A beautiful mood. ये एक नई शुरुआत है, नई जर्नी है, and I'm glad all of you have made this effort to come all the way. हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया, and this is a beginning for all of us. New sound we're trying. तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं, मेरे फैमिली के दोस्त अनूप जी आए हैं, who's like an idol, a guru and a brother. Thank you for your blessing. This is a blessing that you've come. Anyway, so शाम शुरू करते एक गजल से. पहला लाइन ये है कि कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है ना, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है. कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, निगाहों से बयां होती है. कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है. रूह को शाद करे दिल को जो पुर नूर करे, रूह को शाद करे. तो शायर अरबी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ कि कुछ मेरे दोस्त आए थे, उन्होंने बोला गजल गाएगा, हमें तो नहीं समझ आती है, ऐसे आज समझ आ जाएगी. तुम्हारे लिए नई शुरुआत है, मेरे लिए भी. तो रूह को शाद करे, खुश करे दिल को, नूर करे, फुल मून की तरह करे, मोहब्बत यही करता है. रूह को शाद करे दिल को जो पुर नूर करे, दिल को जो पुर नूर पुर नूर पुर नूर. नजारे में ये तन्वीर कहाँ होती है, हर नजारे में ये तन्वीर कहाँ होती है.
चौबे जी में बहुत सारे शेर होते हैं, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ा कम कर रहे हैं। और मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पहली बार शायद गज़ल सुनने, किसी ने तो मुझे पूछा भी कि क्या कैन वी शाउट इन योर गज़ल्स, आई सेड व्हाई नॉट 500 टाइम्स, यस। तो ये हाल है यहाँ, नई शुरुआत तो है, नई उड़ान है, तो इसीलिए हम एक दो शेर कम पढ़ेंगे आज। फिर भी एक पहली गज़ल है तो मक्ता पेश कर देता हूँ। साहिर होशियारपुरी का गजल है, शेर है। जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर। तो तबला मिलेगा क्या? जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर। जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, सुलगती सी चिता, सुलगती सी चिता। जिंदगी एक सुलगती सी चिता है ऐसा है, शोला बनती है नए बुझ के धुआं होती है, शोला बनती है नई बुझ के धुआं होती है। ये हकीकत जो निगाहों से बयां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। वाह, ये तो मतलब हौसला अफजाई का नेक्स्ट लेवल ही होगा। थैंक यू सो मच। मैं शेर में भी पढ़ता हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगा। सलीम भाई अब तो वाकिफ हो गए मेरे शेर व शायरी से। तो आई विल सिंग अ पॉपुलर वन, ये आप लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन कैसा लगा माहौल? सही हो रहा है? आई एम जस्ट लुकिंग एट द पर्सन, अ फ्रेंड ऑफ माइन स्मिता की, हु वांटेड टू शाउट। ऑल गुड? ऑल राइट, थैंक यू स्मिता, थैंक यू। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन।